हेलो, वेलकम अगेन हियर ऑन माय चैनल जानकारी हित। टाइम टाइम पर मैंने यहाँ पर इस चैनल पर आपके साथ कुछ कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर वीडियोस बनाकर शेयर किया, ताकि बच्चों को इजीली समझ आ सके, क्योंकि जिन्होंने कॉमर्स को ज्वाइन किया उनके लिए मुश्किल होती है कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसको समझ कर आगे बढ़ना। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाकर प्रॉब्लम होने वाली है। तो उन सभी बेसिक्स को लगातार जो सीरीज़ के रूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक नई वीडियो के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ यहाँ जानकारी चैनल पर फिर से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेट्स मूव एज विद मी हियर ऑन चैनल जानकारी हित विद अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वी कैन से बेसिक कॉन्सेप्ट। अरे भाई, समझोगे तभी तो जानोगे। आओ समझे और जाने एंड मूव एज विद मी। So today's topic is going to discuss here with you is the discount. Discount kya hai? Chhot, chhoot, whatever we say in Hindi or Punjabi. Discount kya hai? What is the discount? Discount is actually the reduction in the list price, or we can say the amount payable. List price or amount payable, that reduction is known as discount. वस्तुओं की एक price list है, 5000 price लिखा हुआ है, तो उस पर customers को lure करने के लिए, to increase their sale, to launch their new product, एक नया product बाजार में उतारना है। Even और बात बताऊँ, व्यापारी उन्हें अपना पुराना माल भी अगर बेचना है तो customers को lure करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो एक लालच देते हैं कि लिस्ट प्राइस पर 20% 30% डिस्काउंट मिलेगा। लोग अमेजोन और ये जो ऑनलाइन आजकल बाइंग चल रही है, लोग मार्केटिंग वस्तुओं को परचेज कर रहे हैं मार्केट से, ऑनलाइन मार्केट से परचेज करते हैं, तो वो भी तो डिस्काउंट के कारण ही तो जाते हैं। तो डिस्काउंट एक तरह का लालच है कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, या सिर्फ लिस्ट प्राइस पर जो रिडक्शन दी जाती है वो डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ उसको डिस्काउंट नहीं कह सकते। रादर वी शुड क्लियर अबाउट इट, इट मे बी ऑन द अमाउंट पेबल आफ्टर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद, लेन देन के बाद जो अमाउंट एक्चुअल पेबल है, अगर कस्टमर अभी उसको नहीं दे रहा और व्यापारी को लगता है उसको टाइम लगेगा कुछ, तो जो अमाउंट उसने कैश के रूप में देना है उसको जल्दी लालच देने के लिए, ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे, तब भी जो छूट दी जाती है, जो अमाउंट मिलने वाला है उस पर फिर से छूट, उसको भी हम डिस्काउंट कहते हैं। सो इन दीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट डिस्काउंट एक्चुअली इज द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, और वी कैन से द डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ऑन द अमाउंट, रिडक्शन ऑन द अमाउंट एक्चुअल पेएबल एंड आफ्टर डिस्काउंट इट्स एक्चुअली पेड, दैट डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दिया क्यों जाता है भाई? नए कस्टमर्स को बुलाना है अपनी तरफ, पुराने माल को बेचना है, मार्केट में अपनी जगह बनाना है किसी बिजनेसमैन ने, या कस्टमर से पैसा जल्दी निकालना है, तो डिस्काउंट दिया जाता है। ऑन दिस बेसिस जस्ट सी हियर व्हाट इज आई एम सेइंग टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। अब हम इसके बारे में चर्चा करें कि डिस्काउंट एक्चुअल है कितने टाइप का। The first type of discount is the cash discount. What is cash discount? Cash discount is an allowance, or we can say the concession given by the businessman, or we can say the supplier to its buyer. जिसने वस्तु को खरीदा उसने कुछ पैसे वापस देने हैं, वस्तुएं जो परचेज की गई थी या सेल आउट की गई थी वो क्रेडिट पर थी, पैसे उसने देने हैं पैसों को जल्दी दे सके, उसको एक लालच दिया जाता है। If you pay early, we will give you more concession. अगर जल्दी पैसे दे दोगे तो और पैसे छोड़ दिए जाएंगे आपको। मान लो बिजनेसमैन ने 5000 रुपये किसी से लेने थे, क्योंकि उसने गुड्स उसको सेल आउट की थी, उसको बेची थी, कस्टमर ने कहा कि पैसे देंगे अभी नहीं है, तो क्या करे अब बिजनेसमैन, पैसे उसको भी चाहिए,
क्योंकि ये पीरियड ही ऐसे चलते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे कि कई बार पैसे की जो इसको कहते हैं लिक्विड की कमी हो जाती है बिजनेसमैन के पास, वो चाहते हैं पैसे जल्दी आ जाए, लिक्विड जिसको कहते हैं कैश जल्दी आ जाए, तो उसको ल्योर करने के लिए वो एक लालच देता है। क्या देता है वो, कि अगर जल्दी पेमेंट कर दोगे जो 6 महीने बाद देनी है तो 10% आपको छोड़ दिया जाएगा। 500 का सीधा फायदा, 5000 की सेल पे जो उसने देने थे 500 का फायदा, तो जल्दी से पेमेंट कर देगा। और ये जो 500 थे उसके लालच में फंसा, बिजनेसमैन के पास पैसे आ गए, फायदा दोनों को हो गया। दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन वी कैन से द एक्चुअल अमाउंट पेएबल एंड द फाइनली द अमाउंट पेड, जो देने वाला था रकम और जो एक्चुअल में दी गई, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट, वो भी पर्सनल कंसेंट के साथ अगर बिजनेसमैन ने उसको लालच देने के लिए दिया है। तो ये है भाई कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो सेकंड टाइप है इसकी, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। सो द सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट इज द ट्रेड डिस्काउंट। वट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट इज द अलाउंस और वी कैन से रिडक्शन और कंसेशन इन द इज गिवन बाय द सप्लायर इन द प्राइस लिस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट टू द बायर इज नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से सुनो, रिडक्शन और कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर टू इट्स कस्टमर ऑन द प्राइस लिस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर वस्तु की जो कीमत की एक सारणी बनी हुई है, अगर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है उस प्राइस लिस्ट पर सप्लायर द्वारा बायर को जिसने प्रोडक्ट खरीदना है, ताकि उसके प्रोडक्ट को खरीदे, उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको एक लालच दिया जाता है, तो ये जो रिडक्शन है इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, व्यापारिक छूट। इसको बुक्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, इट डजेंट गोइंग टू इम्पैक्ट, बट नोट करना ज़रूरी है, हो सकता है अभी वस्तु वापस आ जाए कभी। उसको जो फाइनेंशियल टर्म्स में है, कहीं उसकी जब हम आगे करेंगे नेक्स्ट जर्नल लेजर, तो वहाँ पे उसकी कोई लेजर या जर्नल में पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है। ये क्यों दिखाया जाता है, हमें पता है कि हमने कैश लेना है, भाई कम पैसे प्राप्त हो रहे हैं, कहीं तो एडजस्ट करेंगे, कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट एक नरेशन के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं, अदरवाइज बुक्स में इसको एज ए अमाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है जो लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट जो अमाउंट मिलने वाला है उस पर दिया जाता है। किसमें कमी है, दैट इज द डिफरेंस। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन ऑन द प्राइस लिस्ट, जो वस्तुओं की प्राइस की एक सूची है उस पर जो दी जाती है। जैसे हमने बाटा के शूज परचेज किए, शूज पे लिखा हुआ था कि आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% डिस्काउंट, आप शॉप पे गए, बाहर लिखा हुआ था, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। अंदर गए, आपका सौदा हो गया, अभी उसके साथ फाइनल डील हो गई है कि आपने 500 रुपीज़ देने हैं, फिर भी उसने कहा, आपने बोला कि मैं तो भी उधार लूँगा, उसने कहा ठीक है अभी ले लो, उसने कहा 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको, 600 की थी 500 में मिलेगी, बट साथ में उसने आपको फिर एक लोर किया कि अगर आप 500 की जगह 10% डिस्काउंट और लेना चाहते हो तो कैश पेमेंट कर दो। आपने कैश पेमेंट की और जो तब पैसे आपको डिस्काउंट के रूप में मिले, दैट इज़ कैश डिस्काउंट। ये दोनों में यही फ़र्क है, कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो अप करना पड़ता है, सिर्फ जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको एक नरेशन अंडरस्टेटमेंट के रूप में लिख जरूर देते हैं, लेकिन उसको अमाउंट के रूप में शो अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट दोनों के दोनों बिजनेस के लिए, जिसको डिस्काउंट मिला है उसके लिए फ़ायदा हो सकता है, बिजनेस के लिए नुकसान जो डिस्काउंट दे रहा है, बट बिजनेस की सेल बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो बिजनेस के पास जो मार्जिन थोड़ा थोड़ा होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही एक तरह से लालच हैं जो बायर्स को दिए जाते हैं, एक को पेमेंट जल्दी लेने के लिए कैश डिस्काउंट, दूसरा जो ट्रेड डिस्काउंट है सेल को बढ़ाने के लिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लोगों को कैसे जान पहचान कराऊंगे, भी लोग नहीं जानते, प्रयोग तो तब करेंगे ना वो उसको जब उसको एक और परचेज करके लेके जाएंगे, तो इनमें यही डिफरेंस है।
सो स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. दोनों है तो लालच भाई, जिसने खरीदना है उसने उसको फंसाना है, दाना फेंकना है उसको भी. पर चीज़ आप खरीदो तो सही. हम भी तो ऐसे हैं, कभी पेरेंट्स के साथ जाएं, उनको देखा होगा कि बाहर लगा हुआ है सेल सेल सेल, 20% 50% 70% सेल, ऑफ सीजन सेल. यही तो डिस्काउंट है. जो डिस्काउंट आपको लिस्ट प्राइस पे मिलने वाला है, प्रोडक्ट पे बेसिक प्राइस लिखा हुआ है 5000 का, आप उसको रेमन के शोरूम में गए, वहाँ से आपने कोई जैकेट वगैरह परचेज की, उसको उसने कहा कि 50% डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट इज नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट. और अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, आप व्यापारी ने किसी से पैसे लेने हैं, वी कैन से दैट पैसे देने में देरी कर रहा है, उसको एक लालच देना, एक रिडक्शन देनी जो उसको फाइनल पेमेंट करनी है, दैट इज वी कैन से दैट दैट इज कैश डिस्काउंट. तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है. एक नया वीडियो, एक नया कंसर्न, एक नया टॉपिक आपके साथ बड़ी जल्द जानकारी ही चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तब तक आप इसको देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए ताकि जो वीडियो नहीं आने वाली है उसकी सूचना आपको मैसेज के थ्रू मिल सके, नोटिफिकेशन हो सके आपको. सो आई विल बी हेयर वेरी सून. थैंक यू वेरी मच.